दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड पर धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का सपना वेस्टइंडीज पर होने वाला है जीत दर्ज करने का। जी हां, आपको बता दें कि कैरेबियन टीम से टक्कर लेने के लिए शिखर धवन की अगुवाई में भारत वेस्टइंडीज से तीन मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला में टक्कर लेगा और इसका पहला मुकाबला बेहद ही हाई वोल्टेज होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले जाने वाला ये एक दिवसीय मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा उसे जानने के लिए हम आप हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है, देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर भारतीय फैंस वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकेंगे। दरअसल भारतीय टीम का वेस्टइंडीज दौरा 22 जुलाई से 7 अगस्त तक होने वाला है। अब 15 जुलाई के बाद ऐसा होने जा रहा है कि डीडी स्पोर्ट्स पर भारत के किसी भी विदेशी सीरीज का प्रसारण होगा। इससे पहले अप्रैल 2021 में फैन कोड ने क्रिकेट वेस्टइंडीज के साथ 4 साल का करार किया था, हालांकि ये डिजिटल के लिए था। फैन कोड साल 2024 तक कैरेबियन देश में तकरीबन 150 इंटरनेशनल और 250 डोमेस्टिक क्रिकेट का लाइव प्रसारण करेगा। भारत और वेस्टइंडीज सीरीज के मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप पर किया जाएगा। दरअसल ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल टेलीविजन दर्शक भारत के वेस्टइंडीज दौरे से ना चुके, फैन कोड ने डीडी स्पोर्ट्स को डीडी फ्री डिश के अलावा सभी केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने के लिए टीवी अधिकारों की पेशकश की है। प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल ने कहा, भारत क्रिकेट खेल और मनोरंजन में हमेशा से आगे रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में भी टेलीविजन पर स्पोर्ट्स उपभोग के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार और दर्शक बने हुए हैं और हम पश्चिम के आगामी भारत दौरे को लेकर खुश हैं। उन्होंने आगे कहा कि जबकि फैन कोड खेल प्रशंसकों के लिए अद्वितीय डिजिटल अनुभव का निर्माण कर रहा है, डीडी स्पोर्ट्स के अधिकारों के विस्तार का मतलब श्रृंखला को सभी खेल प्रशंसकों तक पहुंचाना होगा। तो वहीं अगर हम पहले एक दिवसीय मुकाबले की बात करें तो ये त्रिनिदाद में खेला जाएगा। क्वींस पार्क ओवल के स्टेडियम में टीम इंडिया किसी भी हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी और भारतीय टीम के नए कप्तान शिखर धवन होंगे और वो खुद को साबित करना चाहेंगे। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पहले मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम उतरेगी, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत इस दौरे में शामिल नहीं है। ऐसे में नए खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह मिलना तय है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला पहला एक दिवसीय मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है। ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले का मजा कोई भी क्रिकेट प्रशंसक नहीं छोड़ना चाहेगा। ऐसे में आप इस मुकाबले का मजा फ्री में डीडी स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों अगर वेस्टइंडीज की टीम की बात करें तो वहां भारतीय टीम को चुनौती देने के लिए कप्तान निकोलस पूरन, रोमन पावेल और काइन मेयर जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले अपने दम पर पूरा मुकाबला पलटने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले जाने वाले एक दिवसीय मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।